वेलकम टू जी जैकस किचन एंड व्लॉग्स व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं अपनी लैब में बनाने जा रही हूँ पोटैटो ग्रिल सैंडविच। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। यहाँ पे चिकन बॉईल कर लिया था मैंने, चिकन क्यूब्स कटिंग में करके इनको बॉईल किया है। अब आप चाहें तो इनको श्रेडिड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको नाइफ की मदद से इसको चॉप कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमने आलूओं को लेके इनको बॉईल कर लिया था, 3 से 4 अंदर आलू थे। अब इसके अंदर हम मसाला डाल रहे हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दे रहे हैं। इसमें रेड चिली पाउडर डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून, और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी वाले स्पाइस। आप इस वीडियो को वॉच करते रहें और स्टेप बाई स्टेप जिन के रेसिपी को बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा अब इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गरम मसाला, ये ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को टोटली आप लोग ब्लैक पेपर में भी बना सकती हैं। और अब इसके अंदर मैं मसाला डालने के बाद चिली फ्लेक्स इसमें थोड़े से डालेंगे, कुटी हुई मिर्ची जिसे कहते हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून के तरफ। दूसरी तरफ हमने अंडे लिए हैं, 200 से 300 अंडों को फेंट के उसको हम लोग उधर दूसरी तरफ फ्राई करें। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ऐड करवाई है, हरी मिर्ची 1 से 2, अगर आप ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर बच्चों ने खाना तो हरी मिर्ची इसमें से स्किप कर दी। इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है, ये थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल के सैंडविच है। यूजली हम लोग क्या करते हैं कि सैंडविच में इतने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने इसको पाकिस्तानी टच दी है ग्रिल पोटैटो सैंडविच को, तो इस वजह से आप लोग कर जो दिल चाहते हैं जितने मसाले ज़्यादा डालना चाहते हैं डालें, लेकिन कम क्वांटिटी में। ज़्यादा मिर्ची खाने से ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ये लैब में ही स्टूडेंट्स मेरे अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। मिर्ची अगर स्किप करना चाहे तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे खाएंगे, बच्चों के मुंह में आएंगी तो वो बच्चे जो उनसे निकालते हैं हम उसी वक्त सैंडविच खाना छोड़ देंगे। ये इस तरीके से आलू को मैश करके आप सिर्फ ब्लैक पेपर और वाइट पेपर थोड़ा सा ऐड करके और नमक डाल के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि हम लोग इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दे रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तानी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरी तरफ ये चिकन भी हम लोगों ने चॉप कर दिया, एक तरफ हमने चिकन रखा है और दूसरी तरफ हमने टमाटर जो आलू थे उसमें हम मसाले भी ऐड कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वाला स्टेप को आप लोग को गौर से देखिएगा, क्योंकि अब हमने असेंबलिंग करनी है। अब क्या करेंगे, जो अंडे भी थे उनको भी छोटे छोटे पीस में कर देंगे, चॉप करके डाल देंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि अंडे को फ्राई करके बस बड़े पीसेस में ऐड करें तो वो भी आप कर सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आप लोग किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये देखें, अंडों को भी छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर दिया। अब दूसरी तरफ हमने मेयोनीज लगाई है पहले स्लाइस पे, और जो हमारा आलूओं का पेस्ट हमने तैयार किया था मिक्सचर, उसको हम लोग अच्छी तरीके से फैला के स्लाइस के ऊपर लगा रहे हैं। सैंडविच बनाने के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस तरीके के बनाएं। एक तरह के सैंडविच खा के बंदा थोड़ा सा तंग आ जाता है, आप लोग थोड़े से चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अंडे लगा रहे हैं ऊपर, अंडे लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग दूसरा स्लाइस रखेंगे, लेकिन उससे पहले स्लाइस में हम लोग लगा देंगे म्यूनिस थोड़ी सी, ताकि वो इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। अगर इसको कम क्वांटिटी में म्यूनिस को ऐड करेंगे और एज इट इज़ रख देंगे तो वो थोड़े से ड्राई लगेंगे। यहाँ पे म्यूनिस और केचप को मिक्स करके लगा दिए, अगर चाहे तो म्यूनिस और केचप को दोनों को मिक्स करके बोल में रख सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका ठीक है। आप इंडिया ने बहुत अच्छे, बहुत मज़े के और डिफरेंट स्टाइल के ये टमाटो सैंडविच बनेंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर चिकन की लेयर लगा दी है, और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर आप कोकम्बर टमाटो सैलड लीफ भी लगा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं इस मिक्सचर में तकरीबन काफ़ी सारे बन जाएंगे, और ये यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड यूज़ किया है। अब इसको हम लोग करेंगे ग्रिल करेंगे, ग्रिल पैन को हमने गर्म होने के लिए रखा, उस पर बटर लगाया। अब इस पर स्लाइस रख दी है हमने, स्लाइस पे जैसे ही मार्क आएंगे तो हम लोग इसको कटिंग करके आपको पेश करेंगे। आपके मज़ेदार
और टेस्टी ग्रिल सैंडविच तैयार हो चुके हैं। पोटैटो ग्रिल सैंडविच आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।